Listen guys, आज हम में से कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेगा. Hey you all, boycott your lectures, okay? Wow man, कितना मजा आएगा आज. Mass bunk. तुमसे मतलब हमारा प्रोटेस्ट करने का यही तरीका है. लेकिन जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए ये उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है. आप लोग तो उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं. ओ मैडम, तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए. जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? ये भी मेरा ही बिजनेस है क्योंकि मैं भी कॉलेज का एक हिस्सा हूँ. और इस तरह तोड़ फोड़ करके आप लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं? इससे ना ही तन्वी को इंसाफ मिलेगा और ना ही वो लड़का. अरे बस बस आंटी जी, ये भाषण ना जाके अपने ससुराल वालों को सुनाना. और गाइस यहां से निकलते हैं. इसकी बात सुनेंगे ना तो पक जाएंगे. क्या हो गया इसे? कैसी हरकतें कर रही है ये? मैं मिस्टर गोयन का हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया है. आप प्लीज मेरे साथ चलिए. जी चलिए आइए. वी वांट जस्टिस, वी वांट. ये लोग इस प्रोटेस्ट का गलत फायदा उठा के बात को हल्का भी कर रहे हैं और सबके लिए मुश्किलें भी और बढ़ा रहे हैं. क्या करूं, कैसे रोकूं सबको? हम घर के लिए निकल गए ये बात आपका किर्तु कार्तिक को बता दो वरना उसे चिंता लगी रहेगी हमारी. जी मैम, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा. थैंक यू. रुक जाओ, मैं मना कर रहा हूं. रुक जाओ आप लोग. वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस. रुक जाओ वरना मैं मार दूंगा आप लोग को. रुक जाओ. वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस. क्या हुआ मैडम? वो जल्दी से गाड़ी लाइए, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा. मैडम ये गाड़ी पीछे खड़ी है, जहाँ बच्चों ने रास्ता जाम कर रखा है. टैक्सी या क्या कुछ भी मंगवा दीजिए प्लीज. ओके चलिए भैया. अब भी ये क्लियर नहीं होता कि हरकत है किसकी. आप प्लीज सारा फुटेज क्रॉस चेक कीजिए, पता कीजिए और उस आदमी को हमारे सामने लाकर रखे जिसने हरकत की. मिस्टर गोयनका, गोयनका मैम को चोट लगी है. कोई एक स्टूडेंट ने भाटी हॉस्पिटल ले गई है. आप प्लीज जल्दी चलिए. चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था तुम्हें. ये ठीक नहीं किया तुमने, ठीक नहीं किया नायरा.
मैम के सर में चोट लगी है और खून भी बह रहा है। आप प्लीज जल्दी से देखिए ना। इन्हें किसी मेडिसिन से एलर्जी है या कोई मेडिकल इशू जो एज रिलेटेड हो? बीपी हाई रहता है उनका और शुगर भी बॉर्डर लाइन पे है और 10-12 साल पहले एक माइनर सर्जरी भी हुई थी जिसके बाद पेन किलर्स लेने से स्टमक लाइनिंग पे असर पड़ा था, तो वो पेन किलर्स अवॉइड करती हैं और कोई एलर्जी नहीं है जितना मुझे पता है। जितना मुझे पता था, दो साल में क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते। आपको अगर बात करनी है तो आप इनकी फैमिली से बात कर सकते हैं, वो लोग उदयपुर। नहीं, इतना काफी है सिस्टर, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, ये मंगा लीजिए ठीक है, और इनकी ड्रेसिंग कर दीजिए। डॉक्टर ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना, वो ठीक हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है, चोट सिर्फ ऊपर लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी ठीक है। लग रहा है अब आपको? इन्होंने बहुत अच्छा किया जो तुरंत आपको यहाँ पे लेके आ गए। इमीडिएटली मेडिकल एड के कारण ब्लड लॉस बहुत कम हुआ है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इन्हें तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसे याद है जैसे आपकी नर्स रही हो। दादी, रिलैक्स, ठीक है वो, एंड थैंक द गर्ल। रिलैक्स मिसेस गोयनका, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? देखिए, हमें इन्हें थोड़ी देर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्हें लेके जा सकते हैं। सिर्फ फैमिली रहेगी, हम बाहर वाले जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं भी आया दादी। क्या प्रॉब्लम है ये तुम पूछ रही हो? तुम जिसकी वजह से ये सब हुआ है, बिना सोचे समझे बात को पतंगड़ बना दिया तुमने। देखा तुम्हारी इज्जत का नतीजा, आज तुम्हारे उस स्टूपिड प्रोटेस्ट की वजह से मेरी दादी को चोट लगी है। पहली बात ये कि दादी ठीक है, और दूसरी ये कि मेरी वजह से उन्हें चोट नहीं लगी है। अगर तुमने टाइम पे एक्शन लिया होता। एक्शन, एक्शन, सुबह से एक ही शब्द लेकर बैठ गई हो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही एक समझदार हो, बाकी सब यूजलेस है? हम जो कर सकते थे हमने इमीडिएटली करना शुरू कर दिया, पर तुमने क्या किया? सिर्फ भड़काया लोगों को, उन्हें प्रोटेस्ट कर। कुछ नहीं किया मैंने, किसी को नहीं भड़काया। मैं उतना भी पागल नहीं हूँ नायरा कि तुम्हारी हर बात पे आग बंद करके विश्वास कर लूंगा। सब जानता हूँ मैं, आई नो एवरीथिंग। तुम क्या कह रहे हो? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, और ना ही वो मेरे लिए मैटर करता है। तुम्हारे लिए तो मैं भी मैटर नहीं करता, शुभम भी मैटर नहीं करता था, इसलिए तो बात छुपाई थी तुमने हम सबसे। तुम्हें जो करना होता है तुम बस वही करती हो, फिर चाहे उसे किसी का नुकसान हो, किसी की जान जाए, उसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस नायरा सिंघानिया, वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूं,
ताकि तुम्हारी जिद का कोई और शिकार ना हो। ये जो तुम मोर्चा निकाल रही हो ना, तुम्हारी महानता के चक्कर में तुम्हारी फ्रेंड तन्वी का ही नुकसान ना हो जाए, जैसे मेरी फैमिली का हुआ, मेरे भाई का हुआ। बस सोचना इस बारे में। मिस्टर कार्तिक, मिसेस गोयनका आपको बुला रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।